Welcome to Manager Education. Welcome to this video. So, in this video, we are going to discuss critical reasoning for the law CET. So, ये वीडियो में आप ये समझने वाले हो कि critical reasoning को solve कैसे करना है, basically for the CET and law exams. तो यहाँ पर इस वीडियो में पहले तो हम स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ऑल द टॉपिक्स ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग वी आर गोना डिस्कस हियर, बट द फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस सेशन वी आर गोना डिस्कस स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट. सो मूविंग अहेड टू द नाउ, हियर आर द सम सोशल मीडिया हैंडल्स. यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू जॉइन अस ऑन अ टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप, यू कैन जॉइन देयर. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल सो यू कैन गेट लेटेस्ट अपडेट अबाउट द लॉ एंट्रेंस एग्जाम. Now, moving ahead, if you are a Mumbai based, you can join us by visiting our Vasai, Dadar, Andheri, Thane, Borivali branches. And if you are not in Mumbai and if you want to join a live classes, if you want to join online classes, online batches, if you want to purchase, so purchase the courses, simply connect with 8828581455 and 54 and simply start preparation with us. Now, moving ahead to the मेन पार्ट ऑफ द वीडियो, यहाँ पर क्रिटिकल रीजनिंग. क्रिटिकल रीजनिंग होता क्या है गाइस? सिंपली इट इज रिलेटेड अबाउट द क्रिटिकल थिंकिंग, राइट? सो क्रिटिकल थिंकिंग इज ऑल अबाउट द क्रिटिकल रीजनिंग. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको कैसे सोचना है एंड हाउ टू एनालाइज द थिंग्स. दिस इज द फर्स्ट स्किल यू नीडेड, राइट? सो सिंपल क्रिटिकल रीजनिंग इज ऑल अबाउट व्हाट? सिस्टमैटिकली डिस्कवरिंग, एनालाइजिंग एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स. Now, there are the lot of type of critical reasoning. Basically, we are going to discuss here 7 types of critical reasoning. First of all, statement and argument, then statement and assumption, conclusion, inference, course of action, cause and effect, and assertion and reasoning. So, here in this video, we are going to firstly discuss statement and argument part. Chalo, aage dekhte hain. Now, kaise solve karna hai? Dekho, koi bhi critical reasoning ka question ho, doesn't matter, steps universally same hote hain. But then, aapko specifically samajhna hota hai as per the given question. Yahan par step 1 kya hoga? Make the phrasing of inquiry as simple as possible. Dekho, simplification ek simple method hai jo ki kisi bhi problem ko solve kar sakta hai. Simplification is a simple method to solve any problem. Simple. Now, try to utilize as much of your own language as possible. Agar aapko ek language samajh mein nahi aati, then the simple way is to understand that to convert it into your own language. So, that's a simple idea. Now, yahan se aapko kya samajh mein aata hai ki question kya hai? Then, moving ahead, third step kya hoga? Know what you are being asked. क्वेश्चन क्या है वही नहीं समझ में आएगा तो आंसर क्या करोगे? सिंपल है ना. तो क्वेश्चन तो समझ में आए तो पहले ये समझ लो कि आपको पूछा क्या गया है. क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है. देन मूविंग अहेड, देयर आर दी सम पॉइंट्स. देखो, अब यहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग समझ तो लिया, बट समझने के बाद प्रैक्टिस भी तो करनी है. तो प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? यू नीड दैट प्रैक्टिस. प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? तो मॉक टेस्ट से करनी है. सो इफ यू वॉन्ट टू बाई द मॉक टेस्ट, कम टू द मैनुअल एजुकेशन एंड बाई इट ऑल एंड टेक अ कोर्स एंड स्टार्ट विद अस. चलो मूविंग अहेड. नाउ यहां पर स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट बोला गया. अब देखो, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट होता क्या है? क्वेश्चन सिंपल होता है, यहां पे कुछ नहीं, एक स्टेटमेंट दिया होगा आपको, एक स्टेटमेंट दिया होगा, पर्टिकुलर फैक्ट हो सकता है, पर्टिकुलर फैक्ट हो सकता है, कोई थॉट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा, उसको समझना होगा. ऑन दैट बेसिस आपको जो है कुछ आर्ग्यूमेंट्स दी होगी. मे बी दो आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है, मिनिमम दो आर्ग्यूमेंट्स तो होनी है. अब इन दो आर्ग्यूमेंट्स में से आपको डिसाइड करना है कौन सा आर्ग्यूमेंट जो है वो सपोर्टिव है एंड कौन सा आर्ग्यूमेंट जो है वो अपोजिंग है. दैट मींस एक आर्ग्यूमेंट जो होगा वो स्ट्रांग होगा और एक आर्ग्यूमेंट जो होगा वो वीक होगा. नाउ ये भी हो सकता है कि जो अपोजिट है वो स्ट्रांग हो और जो सपोर्टिव है वो वीक हो. तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल. तो ये आपको एनालाइज करना होगा, समझना होगा. मूविंग अहेड, यहां पर ये समझने के बाद आपको क्या करना है? सिंपली उस ऑप्शन को आंसर करना है. देखो, यहां पर आर्ग्यूमेंट दो टाइप की हो सकती है, एक तो स्ट्रांग होगा, एक तो वीक होगा. अब ये मैटर नहीं करता कि सपोर्टिंग में वीक है, सपोर्टिंग में स्ट्रांग है. इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई कि कौन सी वीक है और कौन सी स्ट्रांग है. दैट वुड बी योर करेक्ट आंसर. चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं. अब यहां पर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है एंड आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है. नाउ गाइस, यहां पे जो ये स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट क्या दिया है? शुड स्टूडेंट बी बैंड फ्रॉम कैरिंग मोबाइल फोन इन कॉलेज कैंपस. अब बोलता है कि बच्चे लोगों को यहां पे याद रखना, आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है तो सिंपल आइडिया है. यहां पे देखो, क्वेश्चन टाइप होगा, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, झगड़ा कर रहा है आपसे, आर्ग्यूमेंट कर रहा है आपसे. तो आर्ग्यूमेंट के वक्त एक जो स्टेटमेंट आ रहा है उसके लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना. तो क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन पूछेगा तो वो फॉर्म क्या हो गया आपके लिए? बेसिक आर्ग्यूमेंट फॉर्म हो गया. अब यहां पर क्या पूछा है कि बाबा, स्टूडेंट्स की जो मोबाइल रखने की जो आदत है कॉलेज कैंपस में, क्या वो बैन होना चाहिए? मतलब मोबाइल बैन होने चाहिए कॉलेज कैंपस में, ये बोल रहा है. अब देखो, इसको इमेजिन कैसे करना है? सिंपली इमेजिन करो कि आपके सामने दो पर्सन खड़े, दो पर्सन में से एक बंदा बोल रहा है कि भाई नहीं, ये तो सही नहीं है. बोला क्यों? मैंने पूछा उसको क्यों नहीं सही.
So he says mobile phones has become essential for an individual and one needs to keep it all day. बोलता है कि मोबाइल फोन तो नेसेसरी है क्योंकि हर किसी को हमेशा अपने साथ पूरे दिन रखना पड़ता है. तो दैट मींस वो बोल रहा है कि मोबाइल इतना नेसेसरी है कि कॉलेज कैंपस में भी लेके जाओ. बट अगर आप देखोगे गाइस तो हम क्या पूछ रहे हैं उसको कि कॉलेज कैंपस के बारे में पूछ रहे हैं ना, वो तो यूनिवर्सल बात कर रहा है. वो बोलता है सब जगह इंपॉर्टेंट है. गाइस उसकी आर्ग्यूमेंट सही है क्या? नो कनेक्शन, कोई कनेक्शन नहीं है. हमें यूनिवर्सल आंसर ही नहीं चाहिए. तो हमें क्यों यूनिवर्सल की बातें बता रहा है सब जगह की, हमें कोई नहीं जानना. हमें क्या जानना है कि भाई कॉलेज में रखना है कि नहीं रखना है. मतलब ये बेसिक आर्ग्यूमेंट जो हो गया वो क्या होगा, वीक आर्ग्यूमेंट हो जाएगा. सिंपल है ना. मतलब क्या करना है आपको, कोई दिमाग नहीं लगाना, सिंपल इमेजिनेशन करो, सामने जो दिखा है उसको इमेजिन करके देखो, आपको आंसर्स मिल जाएंगे. देन अब देखो ये वीक हो गया, मतलब वन तो एलिमिनेट होता है. चलो नेक्स्ट को देखते हैं. अब बोलता है दूसरा पर्सन क्या बोल रहा है, सर देखो सही है, होना चाहिए, मोबाइल बैन होना चाहिए. क्यों बैन होना चाहिए? मोबाइल फोन्स डिस्ट्रैक्ट द स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टडीज. यस इट इज, ये तो होता ही है ना. सिंपल है, अगर कोई वर्क भी कर रहा है, कोई बुक भी पढ़ रहे हो, अगर मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाए व्हाट विल हैपन, आपका डिस्ट्रैक्शन पक्का है. अगर आप मोबाइल को हाथ में ले लोगे, स्क्रोल करते बैठोगे, वो रील को स्क्रोल करते रहोगे, वो तो स्क्रोल होते ही रहेगी, खत्म नहीं होना. तो मतलब आप डिस्ट्रैक्ट हो गए. इसका मतलब क्या कि ये जो स्टूडेंट है या फिर ये जो पर्सन है वो करेक्ट बोल रहा है. नाउ दिस बिकम्स व्हाट, स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट. अब आपको पता चला कि स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट सेकंड वन है. अब देखो ऑप्शंस में क्या क्या है. ओनली वन आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग, नहीं आर्ग्यूमेंट वन तो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इसको तो एलिमिनेट करो. बी बोलता है ओनली टू आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग, दैट इज योर करेक्ट आंसर. बाकी तो नीचे के सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे. देखो सिंपल वे था, सिंपल क्वेश्चन था, सिंपली सॉल्व करना था. बट ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी बच्चे लोग सॉल्व नहीं कर पाते. और देखो सिंपलेस्ट आइडिया होती है, ऐसी और सारी बहुत सारी टेक्निक्स है इनको सॉल्व करने के लिए. ये तो एक ऐसे ही ट्रायल था कि सिंपल क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है. नाउ मूविंग एट द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, यहां पे एक क्वेश्चन दिया है. नाउ दिस इज योर टास्क, आपको मुझे बताना है कि इसका आंसर कैसे आएगा. मैं आपको आंसर बता देता हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका आंसर आएगा कैसे, क्या करना होगा, आप कैसे आंसर करोगे. नाउ देखो, शुड देयर बी अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाई राइज बिल्डिंग इन द बिग सिटीज इन इंडिया. बोलता है कि बिग सिटीज, अब ये बिग सिटीज कौन सी भी हो सकती है, मेट्रो सिटीज हो सकती है, कोई दूसरी बिग सिटीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. यहां पे ये बोलना है कि बिग सिटीज में हाई राइज बिल्डिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये पूछ रहा है, या फिर उनके कंस्ट्रक्शन पे रेस्ट्रिक्शन आना चाहिए. सिंपली बात क्या बोलनी है कि हाई राइज बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन पे रेस्ट्रिक्शन आना चाहिए क्या बिग सिटीज में, ये पूछा जा रहा है. अब यहां पे आर्ग्यूमेंट देखो क्या है. एक आर्ग्यूमेंट में एक पर्सन बोलता है नो, नहीं आना चाहिए. क्यों? बिग सिटीज इन इंडिया डू नॉट हैव एडिक्वेट ओपन लैंड प्लॉट्स टू एकोमोडेट अ ग्रोइंग पॉपुलेशन. बोलता है कि बिग सिटीज में क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है और उतनी एडिक्वेट लैंड नहीं है, ओपन लैंड प्लॉट नहीं है. ओपन लैंड प्लॉट मतलब जो जगह ओपन हो जहां पे बिल्डिंग बनाई जा सकती है, तो ऐसी जो जगह है बहुत कम है और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ये बोलना है एक पर्सन का. दूसरा बोलता है सर देखो सही है, होना चाहिए. बोला क्यों? तो बोलता है गवर्नमेंट शुड फर्स्ट प्रोवाइड एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी. पहले तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी दे दे टू एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स बिफोर अलाउिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू हाई राइज बिल्डिंग. नाउ देखो ये बंदा बोल रहा है कि वो तो करे, चलेगा, हाई राइज बिल्डिंग बनाओ, लेकिन क्यों, कब बनाओगे? पहले जो बनाई हुई है ना उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पहले डेवलप कर लो, बाद में जितनी चाहे डेवलप करते रहो, बाद में जितनी चाहे बनाते रहो. तो ये दो आपके सामने आर्ग्यूमेंट है. अब आप मुझे बताओ कि दोनों में, दोनों जो आर्ग्यूमेंट है वो कैसी है, आपको ये बताना है. चलो आपके लिए मैं आंसर बता दूंगा. आंसर इज ई कि दोनों भी स्ट्रांग है, बट आई वॉन्ट दी रीजंस बिहाइंड इट. क्या रीजन है इसके पीछे, रीजन क्या होगा गाइज, ऐसे रीजंस क्या है कि दोनों स्ट्रांग हो गए, ये आप मुझे बताओगे. और किस तरीके से आंसर करना है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दोगे. सो गाइज ऑल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर मोस्टली आस्क्ड इन दी लॉ एंट्रेंस एग्जाम. ज्यादा करके लॉ एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत ही फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो कि लॉ एंट्रेंस एग्जाम में आपको मिलेंगे. अगर आपको ऐसे एग्जाम्स, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और ऐसे अदर टाइप्स ऑफ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको कवर करना है, सिंपली ज्वाइन अस एंड स्टार्ट प्रिपरेशन विद अस. सो You will be the expert in this type of topics within a second. Just मैंने अभी आपको जो explain किया ना, अगर उसको solve करना हो तो 3 to 4 seconds लगते हैं after reading the statement and argument. That's easy to solve. So simply join us and start your preparation. And if you like the video, hit that like button. Share this video with your friends so they can also get a help with this. And subscribe the channel so you can get this type of videos और आपको इस तरीके की नई नई ideas, नए नए tricks आपको मिलते रहेंगे. तो channel को subscribe करना मत भूलना और stay tuned till the next video. Thank you.